एक समय की बात है, विनायक नगर नामक गांव में 65 साल की एक औरत लीलावती रहती थी। वह अपने दो बेटों और उनके परिवारों के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। लीलावती को स्वादिष्ट खाने खाने का बहुत शौक था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का, आईने में अपने आप को देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पर निकल जाते, उसकी बहुएं अपने काम में व्यस्त हो जाती, मगर लीलावती को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ जरा। जी जी माँ, बोलिए। अरे, क्या तुम मुझे वो गिलास दे सकती हो जिसमें पानी रखा हुआ है? लीलावती बहुत आलसी थी। अपने बाजू में पड़ा हुआ गिलास भी वह उठा नहीं सकती थी। वह हर बार ऐसे ही करके किसी ना किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती। उसकी बहुएं उसका कहना तो मान लेती थी, मगर वह भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। जब अच्छा पकवान पकता था तो वह खुद रसोई घर में जाकर देखना चाहती थी कि क्या पक रहा है। अरे बहू, सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर जब लीलावती की बहुओं ने खाना बना लिया तो वह इंतजार करती थी कि वह रसोई से बाहर कब आएंगी। वह रसोई में जाकर सभी पकवान देखती थी, एक एक करके उन्हें सूंघती थी और फिर कटोरी में सामान भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। भोजन के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थी, मगर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कम कैसे पड़ जाता है। कभी कभी तो उनके पति उन्हें गुस्सा भी करते थे कि क्यों उन्होंने सही मात्रा में खाना नहीं बनाया है। ऐसा देख के लीलावती मन ही मन खूब हंसती, मगर वह अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी कि वह अपनी पत्नियों से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। फिर एक दिन लीलावती के बेटे बाजार से कुछ मिठाइयां लेकर आए और वो मिठाइयां उन्होंने अपने बच्चों के लिए रख दी। लीलावती से तो रुका ही नहीं गया, वह अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाइयां मैं तुम लोगों में बराबरी में बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो बच्चों। ऐसा सुनकर बच्चों ने वैसा ही किया जैसे उनकी दादी माँ ने कहा। फिर लीलावती ने उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ चुपचाप अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये ही नहीं, वह तो अपनी बहुओं की साड़ियाँ भी चुराती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पे सूखने के लिए टांगती, वह चुपचाप साड़ियां ले जाती। उसकी बहुएं परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया है। उन्हें लगता कि साड़ियां कहीं गुम हो गई हैं। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? मैं कई समय से ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पे डाला था, क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है वो पड़ोस की राधा ने ऐसा कुछ किया है। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। हाँ माँ जी, मेरी साड़ी भी गुम चुकी है। मुझे लगता है ये राधा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहुओं को बहकाया। जैसा उनकी सास ने कहा, वह दोनों अपनी पड़ोसी राधा के पास गईं और लड़ने लगीं। राधा की तो कोई गलती ही नहीं थी। और उन्हें लड़ता देख लीलावती दूर से हंसने लगी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही हैं। लीलावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। फिर एक दिन जब वह खाना खा रही थी, लीलावती को बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अगले हफ्ते दशहरा आ रहा है।
और वह चाहती थी कि सब लोग नए कपड़े खरीदें। जी माँ, हमें कपड़े खरीदने चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं, तो क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगी? वह दशहरा मनाने आ रही हैं। यह सुनकर लीलावती नाराज हो गई। उसे जलन मच रही थी कि वह क्यों आ रही है। आने दो उसे, मुझे पता है यहाँ से उसको कैसे भगाना है। अगले दिन लीलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटों और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार ऐसे किया है कभी? हे भगवान। फिर लीलावती के बड़े बेटे की सास वहां पधारी और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे भागे दौड़े उनके पास गए। पुष्पा बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए कई उपहार लाई थी। वह बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां लाई थी। पुष्पा ने लीलावती को भी एक सुंदर सा बस्ता भी दिया। लीलावती ने वह बस्ता तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फिर बाहर आई। बाहर आकर उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई तो वह सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है, मगर उसे जलन भी मच रही थी। ये देखो, इन बहुओं ने मेरे लिए कभी इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अभी मैं इनको मजा चकाती हूँ। फिर ऐसा सोचते हुए वह इंतजार करने लगी कि कब उसकी बहुएं रसोई से बाहर आएं। जैसे ही वे दोनों रसोई से बाहर आईं, चुपचाप लीलावती रसोई घर में चली गई और पकवान में उसने खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्च लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे, मगर लीलावती ने तो खाने को छुआ तक नहीं था। मगर उसे ऐसा लगा कि सबको शक हो जाएगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है, तो वो भी नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी और पानी के लिए तरसने लगी। मगर पुष्पा को शक हुआ। पुष्पा ने लीलावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा ने लीलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने ऐसा देखा कि लीलावती बच्चों से मिठाइयां चुराती है और अपनी बहुओं की साड़ियां चुरा कर उस बस्ते में रखती है। उसने यह भी देखा कि वह चुपचाप रसोई में जाके सब्जियां कटोरी में भरकर चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इन 10 दिनों में पुष्पा को लीलावती के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर एक दिन जब सब लोग घर पर थे, पुष्पा ने सोचा कि ये सही वक्त है कि उसे सबको बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। लीलावती सुनिए, क्या आप वो बस्ता ला सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कहकर पुष्पा झट लीलावती के कमरे में गई। लीलावती तो पुष्पा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर असफल रही। पुष्पा ने वो बस्ता खोला और सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, बहुओं की साड़ियाँ, आईना और पैसे थे। वह ये सब अपने परिवार वालों से चुराती थी। लीलावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहुएं और तुम्हारे पोता और पोती, ये तुम्हारा परिवार है। ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारा परिवार है। लीलावती, तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कार्य है जो तुम इतने दिनों से कर रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे हमेशा आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम थके हुए होते हैं? और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ, आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं।
आपने सबको कितना परेशान किया है माँ। माँ जी, आपने ही हमें राधा के बारे में बताया था। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपके झूठ की वजह से अब मेरी दोस्ती भी उससे टूट गई है। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? लीलावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा। ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने सबसे माफी भी मांगी। उस दिन से लीलावती अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं का भी खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं की काम करने में मदद भी करती थी। ऐसा सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते रहते लीलावती का हृदय परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है।